भान का हमेशा 99% नंबर हा, तुम्हारा नंबर हमेशा कम लागत। आशीष थान पता है कि तो बड़ो काम कर दी। बड़ो तो क्या को, मैं सो मतलब कोनी संतुष्ट नहीं हुई। मारा गांव तो लेफ्ट एजेंट है कोनी, पहले लेफ्ट एजेंट बने 24 साल की उम्र में। शुरू से मेरे सपनों को है आईपीएस बने। अभी जो मतलब मैं जो एग्जाम लिखी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम है अभी एग्जाम को, और भी एग्जाम से हूँ सेना कमा सीधो लेफ्टिनेंट बन जाए। मैं बचपन से आशीष मेरे बहुत होशियार हो गए, राइटिंग थोड़ी खराब ही बाकी बहुत होशियार। 5-6 जॉब करनी है लाइफ कमा, क्योंकि लाइफ थारी 30-35 साल की है। कसुक लाग रही है अभी? एकदम बहुत अच्छी लाग रहे। देखो भी हो? देखा, मैं खूब देखो जलकान, सारा सीरियल देखू। क्या आप भी अपने बच्चे के छुपे हुए टैलेंट को तराशना चाहते हैं? अगर हाँ तो नो टेंशन, लोटस वैली सीबीएसई स्कूल है ना, जहाँ मिलेंगे डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, बेस्ट टीचिंग मेथड और टेक्नो फ्रेंडली वातावरण। नर्सरी से 10th तक प्रवेश जारी है। आज ही करवाएं प्रिंस लोटस वैली सीकर में बच्चों का एडमिशन और दे अपने बच्चों के सपनों को उड़ान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर। जलको सीकर पर आपनों बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी ढाका ए बार लेफ्टिनेंट बने ही, और आप बारा टाइम कमान अपनी सेना ने बहुत ही बढ़िया नेतृत्व देने वाला ही। और थे मेरे पीछे बैकग्राउंड से देख सको, एक बहुत ही सामान्य से परिवार से बच्चों निकल गए, बाद में एक अतो बड़ो काम कर लियो, और आज की बच्चा ही आगे तो चेहरा पर एक बार देखो कि वा कोई अति बड़ी कोई चीज ही को नहीं गए, अतो बड़ो वास्तव में काम कर लियो। और दिसनाऊ जो गांव है, एक है बच्चा ही लक्ष्मणगढ़ के पास में गांव है दिसनाऊ। पहले तो जो सब लोग देख रहे हैं बन राम राम मेरी, और मेरा नाम आशीष है, और मम्मी को नाम संतोष है, पापा को नाम गोपाल है, और मेरा सरनेम ढाका है, और मैं दिसनाऊ गाँव को निवासी हूँ जो को अपना लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर है। अभी जो मतलब मैं जो एग्जाम लिखी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम है एग्जाम को, और भी एग्जाम सेना कमा सीधो लेफ्टिनेंट बन जाए। तो लेफ्टिनेंट जो हुआ है वो थारो सीधो जो अफसर की एंट्री स्टार्ट हुआ है, बस सबसे पहले लेफ्टिनेंट से स्टार्ट हुआ। जो आगे जगह भी देखो विपिन रावत और जैसे भी बने रही, विपिन रावत साहब भी 1978 कमा लेफ्टिनेंट था, तो लेफ्टिनेंट से ऊपर सीधा आर्मी में जा ही कौन उसको सबसे ऊपर पोस्ट हुआ है। फिर धीरे धीरे जाकी मतलब 2 साल बाद में कप्तान बन जा, 6 साल बाद में मेजर बन जा, या करता करता ऊपर फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, या करता करता जनरल तक पहुंच जाए। तो नौकरी लगी तो अचीवमेंट, क्योंकि मैं शायद 4th और 5th कमा हो जाए मैं बगड़िया कमा पढ़ता हूँ, बी के बाद मैं 6th कमा हो जाए मतलब जो अपना राजेंद्र जी ढूकिया है जो रामानी केतन स्कूल का संस्थापक ही, मन्नर मेरी भांड दोनों लेके गया। तो मैं बताऊँ तो मेरी भांड भी डॉक्टर है, तो मैं मन्नर मेरी भांड दोनों लेके गया, और फिर मतलब 8वीं कमा ही मैं 6th 6ठी क्लास में हूँ, तो मैं 10वीं तक बैठे ही पढ़ो। 10वीं के बाद में एक एग्जाम लगी स्कॉलरशिप को टेस्ट, तो बी कमा मेरे जिले कमा मतलब 10वीं कमा मेरा 82% नंबर ही आया, पर बी के बाद में भाई स्कॉलरशिप टेस्ट लगी बी कमा के हो कि मतलब मैं आता तो सारी चीज, लेकिन मेरे को राइटिंग थोड़ी सी खराब ही, तो बी की वजह से हमेशा मेरे सब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा थोड़ा कम नंबर ही आया भाई, हमेशा कभी 82% ही, कभी 86% ही, 90 ही, कभी कोई मेरिट मारिट को नहीं आई, भाड़ का हमेशा 99% नंबर रहा, तुम्हारा नंबर हमेशा कम लागत। तो सिस्टर अभी सिस्टर अभी मतलब 88 गवर्नमेंट कॉलेज जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, 88 एमबीबीएस पूरी होगी वहाँ की, और अभी वह मेडिकल ऑफिसर ही, और साथ साथ पीजी कर रहे हैं बस, साथ साथ 88। हाँ मतलब थे खुश क्या रहा उसको, जो थन पता होगी थे 10वीं की एग्जाम लिख रहे हो थारी बाढ़ के पहले 90% नंबर आए थे, 82% नंबर में खुश क्या उसको, तो भाई एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा ही। लेकिन 10वीं के बाद में फिर क्या हो कि मैं सारी चीज आती काफी अच्छे से, लेकिन क्या है कि राइटिंग थोड़ी सी मतलब खराब ही, तो बी के बाद में क्या हो कि मतलब जहाँ सीएलसी है, जीसीआई है, थन पता है गुरुकृपा, और जो सीएलसी है अपने जी की कोचिंग ही डॉक्टर बनाने के लिए कोचिंग ही, तो भाई कोई एक एग्जाम कराई भी एग्जाम के मां स्कॉलरशिप टेस्ट हो बी कमा भाई देखना चाह रहा कि भाई टाबर मतलब बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे तो आप अभी मतलब फ्री में पढ़ा दें, तो मेरे बी कमा जिले का एक मैं 3rd नंबर आगो और एक मैं 5वां नंबर आगो, जब मैं दोनों से स्कॉलरशिप मिल रही, फिर मतलब मेरी भाण को नाम कंचन है, तो कंचन को या मन हो क्योंकि अब जी सेम जाओ, तो मैं दोनों बड़े जी सेम चल गया। फिर मैं 11वीं 12वीं को मैं पढ़ाई करी, 12वीं का मैं जब हो जब सेलेक्ट होगी बात चल गई, तो फिर मैं 1 साल बाद में मैं एक और चांस लियो, और भी के बाद में से मैं 2014 का मैं सीएलसी का हो सीएलसी का मैं बैठे आईआईटी जेई बैच में टॉप करियो मैं, लेकिन टॉप करने के बाद मैं फिर मतलब मैंने बैठे एनआईटी ट्रिची भी मिली और आईआईटी खड़गपुर भी मिली, जब मैं थन पहले बता रहा हूँ, तो आईआईटी खड़गपुर का मतलब मिनरल इंजीनियरिंग मिली मैं, लेकिन मेरे मिलर इंजीनियरिंग करने को मन को नहीं हो, मेरे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस को मन हो, इसलिए फिर मैं आईआईटी चल गो। तो मैं थानू मोटिवेशन बता दूं, मेरा मोटिवेशन क्यों ज्वाइन करना हो, क्योंकि मैं बड़े इंटरव्यू गए, मैंने इंटरव्यू मैं भी ब्रिगेडियर साहब आई पूछो कि तेरे कने 14 लाख को ऑफर है, तू आनो क्यों चाह रहे, क्योंकि तू लेफ्ट हैंड बनसी तो नहीं जाए 1,20,000 रुपये मिले, लेफ्ट हैंड बनसी तो रुपया मिलती 1,10,000 क्यों ले रहे तू फाइनेंशियल लॉस। तो मैं नहीं बोलो कि सर मैं जगह एरिया से आऊँ ना बैठे, मतलब मैं हमेशा फौजी देखा ही, मतलब मैं ऑफिसर देखा ही को नहीं, और मैं मतलब मैं थानिया खैस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा टाबर ही, मतलब मेरे तो 82% 86%
की टाबरा का मेरी टारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि सारा टाबर क्या कर रहे हैं जहाँ मतलब मेरे जो चचेरो भाई है ना वो भी अभी एयरफोर्स का मां सोल्जर बन गो मतलब लेकिन अब लेकिन वो अच्छा टाबर हो जहाँ मेरे स्कूल का मां से मेरे जो पहले मेरे सीनियर हो वो टॉपर हो 85-86% अभी का 22% आ जाता मेरा नंबर है लेकिन वो भी एयरफोर्स का मां सोल्जर बन गो। अब दिक्कत भी माँ की है कि बाकी कोई गलती को नहीं लेकिन बन यहाँ लगे कि मतलब ऐसे भी तो पता कौन की प्रोसेस हुआ बिग माँ तो अती इंग्लिश चाहे यहाँ चाहे बया चाहे तो भाई पहले ही घबरा जाए अभी चीज़ ना जहाँ फिर भाई छोटी नौकरी कर ली अभी नौकरी की माँ कोई दिक्कत को नहीं ना हर नौकरी बराबर हुआ लेकिन मेरे खान को मतलब यहाँ है कि एक टाबर है जो ऐसा ही बनवाड़ो है ना बिन कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऑफिसर बनूँ और एक टाबर जो सिपाही बनवाड़ो है ना बिन कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसा ही बनूँ तो थान मतलब थारो जो पोटेंशियल थारी जितनी मतलब औकात है ना बी के साथ की नौकरी करनी चाहिए बताओ थान कम पर सेटल नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ है। तो मैं बैठे जाके बनी बोलो कि सर मैं भी बनूंगा ना तो मतलब मन मेरी गाँव का माँ मतलब मन मान्य जाए थोड़ा सा क्योंकि मेरी अखबार में बोली गई फोटो वोटो आइडिया आइडिया टाइम तो यदि मेरा नहीं होगा ना क्योंकि मैं तो मतलब कभी यहाँ कौन करो कि मतलब मैं शांति के माँ काम करूंगा सक्सेस और मचा दे मैं यहाँ कभी कौन करो मैं तो सान बता दो पहले कि मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई होगा तो जाओ नहीं होगा तो नहीं होगा तो मैं यहाँ क्योंकि यदि मेरे नहीं होगा ना तो लोगों ने यहाँ लगा कि यार आशीष कोई कौन होते यार आपने तो होना ही कौन लेकिन अभी यदि मेरे होगा ना तो मैंने यहाँ पता होगा कि सब लोगों क्योंकि आपने लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि इको होगा ना तो कोई बात नहीं आपने हो जाओ तो यहाँ सोचो कि जो शेखावटी जो इतना बड़ा मिलिट्री फीडर है मतलब आपने कत्ता फौजी कत्ता सिपाही कत्ता सूबेदार बन रहे हैं बाद में यदि मतलब 5-6 ऑफिसर भी साल का निकल जाए ना तो मैं खुश हूँ भी चीज़ से वो एक मेरा सबसे बढ़िया मोटिवेशन हो। बाकी और मोटिवेशन मेरे हो कि मन खेलना बहुत पसंद हो पाड़ा वाड़ा पर चढ़ना पसंद हो तो ऐसा ही मन जॉब में मिल जैसे। बाकी इंटरव्यू का मैं था कुछ कुछ चीज़ बता दूँ तो इंटरव्यू का मतलब एक फनी सो इंसिडेंट है मन कौन पता कि था मतलब दो जगह का नाम पता हो कि जहाँ मेरी कॉलेज ही तिरुचनापल्ली का माही और तिरुचनापल्ली तमिलनाडु में और एक और जगह है तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम है केरला की राजधानी। तो वो मन इंटरव्यू गए मैं इंटरव्यू कर जाता नहीं कुछ एक घंटा को इंटरव्यू चलो जहाँ इंटरव्यू मन जाता नहीं बोलो कि यार तू तो बता तू तो NIT त्रिचुला से तिरुचनापल्ली से पढ़ेड़ो है मैं हाँ मैं बोलो यार वो नाम तो बहुत टंग ट्विस्टर है टंग ट्विस्टर का मतलब बता दूँ टंग ट्विस्टर का मतलब यहाँ जहाँ वो देखते कौन सुनता है कि खड़क सिंह खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ जीव में जोर आ भी मैं बोल रहा हूँ मैं बोलो यार तिरुचनापल्ली बोल रहे तो मन जोर आ रहे मैं बोलो सर मैं थाना ना इस पर स्टोरी सुनाऊँ अब इंटरव्यू में क्या है कि थे जाके बड़ी के करो कि अच्छा बेटा बेटा तेरे कितना परसेंट आए थे 82% बता दिया विशु काम को नहीं आते करो भी थोड़ा फनी बनाओ क्योंकि वो जो सामने बैठे हैं ना वो 50-60 साल को आदमी है वो आराम से थर बात की नहीं है आराम से भी बढ़िया बात करो हंसाओ हंसाओ तो बड़ी कैच करवाने चीज है हाँ इंटरेक्शन रखो मतलब इंटरेक्शन बढ़िया रखो कि यार यहाँ कोई बड़ी दबाव में आगा कि यहाँ जाके कि हाँ हाँ सर ना सर यहाँ कोई मतलब बात करो तो वो मन बोलो कि मैं बोलो कि सर मैं थाने की स्टोरी सुना सी मैं लाग तो वो कि शायद मैं गलती कर दी पर चल आप तो स्टोरी सुनाई सर ना जना वो बोलो कि सर मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में गया ना जब फर्स्ट ईयर में जाता नहीं मतलब मन कॉलेज मिली और कॉलेज मिली जब सर मेरे दोस्त हो जो मध्य प्रदेश से और वो मन जाके यहाँ बोलो कि बुक एक फ्लाइट की टिकट बुक कराई और वो तो बेवकूफ कि वो तिरुचनापल्ली की जगह टीसी बिन तिरुवनंतपुरम की टिकट बुक करा दी अब वो तिरुवनंतपुरम में चल गो अभी अभी बिगो दुर्भाग्य देखो कि तिरुवनंतपुरम का मां केरला का मां भी एक NIT है जो नाम NIT कालीकट है वो बढ़ जा की पिछा वो आदमी जना बढ़ जा की ऑटो वाले बोले कि मैं NIT लेके चल अब वो भी NIT कालीकट लेके चल गो गेट पर जाके देख रहे कि यार तो NIT कालीकट है यार तो NIT तिरुचनापल्ली है ही कोई नहीं फिर बैठा सी वापिस आयो वो इंटरव्यूअर जो हो वो पेट पकड़ पकड़ के हंस लाऊगी कि बेवकूफ आदमी मत सोचो कि यार NIT टावर वो दिमागदार हो तो ऐसा सब चीजों को ध्यान रखना होगा। आशीष थाने पता है कि तो बड़ो काम कर दियो ये चीज बड़ो तो क्या को बड़ो ओ तो अत्तो कोई मैं शो मतलब बुप्पो है कोनी संतुष्ट नहीं हुई के बात है के बनाने से वहाँ शुरू से मेरे सपनों हो गया IPS बने रैंक है लेकिन मेरे तो एक लड़को है मैं तो उनमें भेजने को चाह रहे हो कादर्शो को लेकिन एक आत्मा मर एक की मम्मी का आत्मा मर जचगी जरा ठीक है तो मेरो लाइफ का माँ सिंपल मोटिव वो है कि मैं डिफेंस का माँ भी कोई मेजर जनरल कौन बनना ब्रिगेडियर कौन बनना मेरा सिंपल सो चीज है कि मैंने बहुत सारी जॉब करनी है लाइफ में एक जॉब मैं कर चुके ऑलरेडी एक मैं विश्व पहले मैं बाईजू का मैं पढ़ा तो जॉब मैं कॉलेज में साथ साथ तैयारी करता हूँ बाईजू में पढ़ा तो अभी मैं IDFC की माँ जॉब कर ली आदित्य बिरला का मेरे को ऑफर हो अब मैं 14 साल नौकरी करूंगा बिग बाद में मेरे जो जच्चे की बात करूंगा मैंने 5-6 जॉब करनी है लाइफ का माँ क्योंकि लाइफ थारी 30-35 साल की है तो मैंने अलग अलग जॉब करनी है मेरे IPS का माँ मैं थाना बता दी रीजन सिंपल है IPS की एग्जाम आज ही अलग करवा दे मैं आज ही निकाल लूंगा लेकिन मैं कौन जा रही हूँ कि मेरी 400 रैंक और फिर मैं IRS बन जाऊँ और ना मैं IAS बनने को शौक मन सिर्फ और सिर्फ IPS बनने को मतलब यह है कि लेकिन IPS से ज्यादा मैं सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में लोगों ने आप बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है कि मतलब IPS को देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर सको लेकिन देखो सबसे और जो ड्रॉबैक मैं बताऊंगा थान की मतलब डिफेंस को जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यह है कि मतलब एक्सपोजर तो ज्यादा है कि थे मतलब माउंटेनियरिंग में जा सको मतलब थे मतलब माउंटेनियरिंग की बाकी अलग टीम
अभी कमा जा सको, थे यदि बहुत अच्छो खेल रहे हो तो थे मतलब ओलंपिक्स कमा जा सको, थे कुछ भी कर सको, मतलब इतना सारा फील्ड था। यूनाइटेड नेशंस भेजे था पीस कीपिंग नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए, मतलब जो शांतिपूर्ण शांति बढ़ाने के लिए जगह अलग अलग देशों में, यूक्रेन और अभी रशिया को चल रहे, तो बैठे भी इंडियन आर्मी का जो सिलेक्टेड ऑफिसर हों जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो बह जाए, तो एक्सपोजर अब तो ज्यादा है कि मन ही है कि मतलब मैं सारे मन चैलेंजेस पसंद ही सारे टाइम की, मतलब नई नई चीज करूँ, तो आर्मी मन अति चीज देगी कि मतलब मैं हमेशा मतलब मेरे दिमाग यहाँ है कि मतलब मन सारे टाइम चीज करनी है, मन आईपीएस बात चीज कौन देख सके, ये आईपीएस का मैं बैठे को बैठे ही रह जाता हूँ, सेम बाई पोस्ट बाई समाज की सेवा, लेकिन मेरा यहाँ है कि मैं अलग अलग चीज करना। तो कसोक लग रही है अभी? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। झलकों देखो भी हो? देखा मैं खूब देखो झलकों सारा सीरियल देखो। अच्छा, तो आज मतलब एक अपन चीज देखा कि आप रोज टीवी पर या फिर मोबाइल में अपन जगह चीजें देख सकता जी, पर आपने बेटा की फोटो आवाज आप अखबार पढ़ता रहा अखबार में, तो किसी को लगा फोटो खूब आई की शुरू से हमेशा इंटेलिजेंट रहा, हमेशा फोटो आती बच्ची की फोटो आती, दोनों मेरा बच्चा बच्ची दोनों टैलेंट था, हमेशा बचपन से आशीष मेरे बहुत होशियार हो गए, राइटिंग थोड़ी खराबी बाकी बहुत होशियार, चैलेंज पसंद हो क्योंकि वो सरल काम कदे कौन करना चाहता है, हार्ड चीज होती नहीं लेकिन बढ़िया सू कर लेता दोनों भाण भाई कर लेता, लेकिन इजी काम कदे पसंद कौन होन, क्या सरल सी पड़ी सी लाइफ है बाजी ला रहे कर ले, लेकिन वो खुश रहना मैं खुश अभी भी जा रही है, और देश सेवा से बड़की के काम हो सी, वो तो देश सेवा कर रहा है, इसमें बड़की तो कोई है ही कौन कुछ काम, हमारे गाँव में तो लेफ्टिनेंट है कोई, पहले लेफ्टिनेंट पढ़ा है 24 साल की उम्र में, और मैं सोच रहा कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा समाज के लिए एक उदाहरण बन गया, क्या गाँव में कोई अत्तो बड़ो को नहीं, मैं हमेशा यहाँ कहती की बेटा तू जिक्के दिन मतलब नोट पर तेरा नाम आ जागो नहीं है, जिक्के दिन मैं सोच ली नहीं क्या तुम बहुत बड़ो बनको, नहीं तो बेटा यहाँ नॉर्मल तो सही बने छोटा मोटा। तो साथियों आज कुछ वीडियो आया था क्या को लगे आते एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, और आशीष सुप्रेरणा जरूर लेजो और जितो ज्यादा दबा के इन शेयर कर सको शेयर कर दो, और मिलेगा अगला वीडियो के मान या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी के मान, तब तक के लिए जय सिख कर जय राजस्थान जय हिंद।